ये एक स्ट्रक्चर है जिसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी चेन ऐसी है जो स्ट्रेट भी हो और लॉन्गेस्ट भी हो। अगर मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन्स में मिल रहे हैं। इस साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बट ये स्ट्रेट है तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहां पे इस 7 पे एक ये चेन मिल रही है और एक ये चेन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। तो पहले हम लिख लेंगे 7, 7 दो है इसलिए लिख लेंगे 20, ब्रैकेट बना लेंगे। अब यहां पे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 और 4 पे दोनों साइड में एक एक, एक मेथिल ग्रुप मिल रहा है तो लिखेंगे 2, 4 डाई मेथिल और मेथिल के बाद टोटल कार्बन की चेन 6 है तो लिखेंगे हेक्सिल मेथिल हेक्सिल और ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां पे 3 पे 2 कार्बन, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, मतलब एथिल, तो मिल रहा है 3 एथिल और 3 एथिल के बाद 5 मेथिल 9 और 11 तो लिख लेंगे 5, 9, 11। 3 है तो लिखेंगे ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल के बाद जो पैरेंट चेन है वो 13 की है तो लिखेंगे ट्राई डेके, ट्राई डेके, और ये नोमेनक्लेचर हो गया।